बढ़िया लग रहा है मुझे अभी तक। वाह गाइस देख सकते हो क्या कॉर्नर है हमारा भाभी। सो गाइस अभी हम लोग रोंगटोंग स्टेशन के यहाँ पे आके पहुँच गए, तो अभी स्टेशन दिखाते हैं। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बाइकर 7 ऋषि। तो गाइस बहुत दिनों के बाद, फिर से 4-5 महीने के बाद फिर एक शॉर्ट राइडिंग करने आए हम लोग, संडे राइड बोल सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो। तो अभी हमारा कोई डेस्टिनेशन ठीक ठाक प्लान नहीं है, लेकिन शायद रोंगटोंग के साइड जाएंगे। तो अभी है हम ओटलाबाड़ी के फ्लाई ओवर के बीच में, तो यहाँ पे रिक। हेलो गाइस, अभी भाई हमारा एलईडी का हीरो जब तो है आवेग का ओनर इधर गया, पैसा ही पैसा हो गया। तो गाइस चलिए बने रहिए वीडियो पे। तो गाइस सामने देख ही सकते हो अभी हम लोग फ्लाईओवर के ठीक पीछे खड़े हुए हैं कुतलावाड़ी पे। तो चलो गाइस इस नए से बने हुए फ्लाईओवर पे चलते हैं, अभी फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे। तो पीछे है दाबोर, आगा ये रहा दाबोर। आज हम लोग दो ही बंदे आए हैं, फिर बाकी लोगों का तो कोई ऐसा पता ही नहीं, इसका नहीं होता तो इसका नहीं होता, कौन है ये लोग। तो आज एक संडे राइड ही बोल सकते हो, क्योंकि एक दिन का ही प्लान है हमारा, रहने रहने का कोई प्लान नहीं है। तो गाइस एंजॉय करो वीडियो को, क्या खूबसूरत बनाया है इस फ्लाई ओवर को गाइस, देखो जरा। कोरोनेशन बीच के पास ही आ गए हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो मंकी लोग। हेलो मंकी। आज का वेदर गाइस इतना खूबसूरत हो गया, क्या बोलूँ, थोड़ा बारिश हो के एकदम क्लियर वेदर हो गया अभी। तो गाइस आज बहुत ही प्रिकॉशन लेके चलाना पड़ेगा, अभी ये रास्ता थोड़ा गीला है, बारिश हुआ करके और टायर भी पूरा नहीं हो गया। तो ये गया साबुन हो यहाँ पे भी। तो ये आ गए गाइस हम लोग कॉर्नेशन ब्रिज पे। हम लोग बेंगोल सफारी के जस्ट थोड़ी पीछे है कि वो क्रॉस कर गए अभी। तो यहाँ से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस वही करीब 10-15 किलोमीटर के आसपास रह गया था, उसके बाद फिर देखते हैं रोंगटोंग के साइड साइड जाएंगे अभी। तो पीछे दाबोर को जाने देते हैं पहले। तो ये गया दाबोर सबनो। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। Oh, 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 oh,
गाइस अभी हम लोग पहुंच गए रोंगटोंग जाने के रोड पे। यहाँ पे पीछे देख सकते हो यहाँ पे टॉय ट्रेन का लाइन। तो अभी पीछे हम लोग जाएंगे रोंगटोंग स्टेशन पहले, और उसके बाद अगर टाइम वाइम मिला तो शायद कार्सियांग भी जा सकते हैं हम लोग। अभी देखते हैं, कुछ भी प्लान ठीक नहीं गाइस, एकदम अनप्लान ट्रिप है हमारा आज का, संडे राइड ही बोल सकते हो एक शॉर्ट ट्रिप। तो मेरे साथ आए एरिक और इधर है बात कर रहा है लड़का, पहली बार आया है इतना दूर तो थोड़ा क्या बोलू टेंशन में है उसका मम्मी पापा लोग और हमारा भाभी। तो चलो गाइस बाद में रोंगटोंग स्टेशन पे जाके एक वीडियो देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पहले रोंगटोंग स्टेशन पे। तो अभी इस रोड को क्या बोलते हैं मुझे ठीक पता नहीं, उतना वगैरह सब एसी रोड से शायद जाते हैं। तो देखते हैं गाइस, यूट्यूब वगैरह में तो देखा हो बहुत ही सुंदर रोड है, सामने जाके असली नज़ारा दिखने में लगा हम लोगों को। रेल लाइन के बीचों से हम लोग जाएंगे घने जंगलों के बीच से, तो गाइस क्या ही नज़ारे आएंगे। तो यहाँ से देख सकते हो गाइस 10 किलोमीटर है रोंगटोंग स्टेशन, पहला डेस्टिनेशन मेरा है रोंगटोंग स्टेशन पे। तो उसके बाद देखते हैं कि टाइम मिलेगा तो कार्सियांग शायद जाएंगे हम लोग। तो गाइस ऊपर पे देखो लेफ्ट साइड मिल्क है 50 किलोमीटर, दार्जिलिंग 69, कार्सियांग 36। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पहले रोंगटोंग, उसी रोड पे आपका कार्सियांग भी करता है तो शायद हो जाएगा आज कार्सियांग भी शायद जा सकेंगे हम लोग। यहाँ से है सिमुलवाड़ी रोहिणी मिरिक, हमें जाना है अभी स्ट्रेट जाता है सिमुलवाड़ी। ये रोड भी मैं यूट्यूब पे देख के ढूंढ रहा था कि कौन सा रोड है गाइस ये, क्योंकि बस जब हम लोग गाजरी गए थे तब तो शायद दूसरे रोड रोहिणी वाला रोड लेके शायद गए थे। तो गाइस देख सकते हो इतना सुंदर नजारे आते घने जंगलों के बीच से और साइड में टॉय ट्रेन का लाइन, क्या बोलूं गाइस खूबसूरत खूबसूरत। इस रोड पे चला के अब आएगा ना उसके मजा। चलो गाइस तो गाइस देखो जरा कैमरा पे तो इतना जस्टिस नहीं होता है, लेकिन हम अगर अपने नेकेड आईज से देखते हैं ना तो पता चलता है कि असली मजा तो इन वादियों और घने जंगलों के बीच से जब रास्ता जाता है अलग ही लेवल का है भाई। इसलिए तो मैं माउंटेन लवर हूँ भाई, माउंटेन में जाने का अलग ही मजा है। व्हाट ए ब्यूटी मैन, व्हाट ए ब्यूटी। ये रोड तो गाइस खुद से भी बढ़िया लग रहा है मुझे अभी तक। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन यहाँ पे 3.2 किलोमीटर है रोंगटोंग स्टेशन। जल्दी आ गया है गाइस, क्या ही दार्जिलिंग से ही घूम के आए क्या? रुको जरा सबर करो। ओ गाइस देख सकते हो क्या कॉर्नर है, अलग ही मजा आ रहा है देख के। तो इस तरफ गाइस शायद गाड़ी कम ही चलता है, शायद उस रोड से ज्यादा चलता है कार्सियांग। पहली बार जब मैं गया था रोहिणी वाला रोड था ये, थोड़ा सुनसान टाइप का ही लग रहा है। ये आ गए हम रोंगटोंग, यहाँ से भी और 35 किलोमीटर।
सो गाइस अभी हम लोग रोंगटोंग स्टेशन के यहाँ पे आके पहुँच गए, लगभग 11:30 के आसपास ही यहाँ पे आ गए हम लोग। तो अभी हाथ में बहुत टाइम है, तो अभी सोच रहे हैं कि कार्शियंग भी थोड़ा घूम के आए, डाउहिल शायद जाएंगे कि नहीं देखते हैं, लेकिन फास्ट डेस्टिनेशन पे तो अभी आ गए। पीछे हमारा दो बाइक और वहाँ पे मेरा, तो अभी स्टेशन दिखाते हैं। ये देखो गाइस पीछे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इधर से तो शायद उल्टा आएगा, मैं पीछे से भी दिखा दूंगा आप लोग। तो अभी जा रहे हम लोग रोंगटोंग स्टेशन पे, पीछे रोंगटोंग स्टेशन। सो गाइस ये रहा रोंगटोंग स्टेशन, खाना हो गया है, यहाँ पे आने का सोच रहा था मैं। खूबसूरत है यहाँ पे, दिन में दो बार ट्रेन आता जाता है, पूछा था एक अंकल से। तो ये रहा रोंगटोंग रोंगटोंग स्टेशन। तो यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड वगैरह, ट्रेन का टाइम वगैरह है शायद। तो कैसा लगा आके बोल, एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बार आया हूँ। हाँ अच्छा ही लग रहा है अभी तक तो, स्मूथली राइड चल रहा है। हाँ अभी तो स्मूथली राइड चल रहा है। यहाँ से देखो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे देखो। सो गाइस ये रहा रोंगटोंग स्टेशन, यहाँ पे हम लोग ट्रेन के लिए रुके हैं। हमारा टिकट लगभग एक महीना पहले ही बुकिंग हो चुका था। मस्त जोक मारा। तो अभी जाएंगे दार्जिलिंग, बाइक से आए थे लेकिन बाइक को स्टेशन पे रख के अभी हमारा प्लान है कि टॉय ट्रेन से जाएंगे दार्जिलिंग, कुछ अलग करने का है ना भिड़ू। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अभी ट्रेन का एक टाइम है, बोला कि अभी कुछ देर बाद एक ट्रेन आएगा शायद। तो देखो आप लोगों को रोंगटोंग स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ मैं आज, क्या बोलूँ गाइस। तो इधर कुछ गलत ही काम हो रहा है, पर्सनल काम हो रहा है इधर। देख के आपका कोई बात नहीं। तो गाइस अभी कार्शियंग साइड जाके फिर से मिलते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, बहुत दिनों के बाद डाल रहा हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना।